अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है 70 अल्ट्रेशन टिप्स एंड ट्रिक। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम यूनिट की मदद से करंट बढ़ाने के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहली वीडियोस में हमारे साथ अब्दुल्ला भाई हमें हर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वैसे ही आज वो हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये काम कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का एहसान है। तो अब्दुल्ला भाई, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप ये काम किस तरह करेंगे, यानी कि यूनिट की मदद से आप करंट कैसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये जो चाइना की बाइक होती है, अक्सर बाइक्स में यूनिट जो होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने यूनिट है, ये सिंगल ग्रिप में होता है। ये देखें, इसका सिंगल ग्रिप है, सिंगल ग्रिप में होता है, इसकी कुछ खास पावर नहीं होती, बस डंग टपाने वाला काम किया हुआ होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1:5 का पुराने मॉडल का डबल ग्रिप यूनिट, आप ढूंढने मार्केट से मिल जाता है, लगभग 1100 रुपये के करीब मिलता है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन से रابطہ करें, यूज़ में ले लें, लेकिन हो ओरिजिनल। वो लेने के बाद आपको अपनी बाइक पे फिट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेके आए हैं डबल ग्रिप यूनिट। अब हमने इसे अपनी बाइक पर फिट करना है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत वायरिंग करनी पड़ती है। इसका जो एडवांटेज ये है कि ये अल्ट्रेशन में काम देता है, इससे आपकी बाइक का करंट बहुत बढ़ जाता है और आपकी बाइक की पिक बेहद इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलें, आए आपको दिखाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सिंगल ग्रिप है। अब अगर हम इस ग्रिप को निकालने के बाद अगर हम यहाँ लगाएं, ये देखें, ये ना तो यहाँ पे फिट होगा और ना ही यहाँ फिट होगा। तो इसके लिए हमने वीडियो का टाइम बचाते हुए इन 5 तारों को थोड़ा बहुत छील लिया। उसके बाद हमारे पास हैं इसके ओरिजिनल ग्रिप, इसके दोनों ग्रिप हैं, ये देख सकते हैं, एक ये ग्रिप है और इसी की तरह एक और ग्रिप है। ये इसमें 3 तारें हैं, इसे इसके अंदर लॉक सिस्टम लॉक कर दी है। ये सेकंड ग्रिप, टोटल इसकी हैं 5 तारें। तो चला आते हैं यहाँ पे, इसके पास देखना है, इसके अंदर जो हमारे पास जेन्युइन सेटिंग में आता है, इसके अंदर भी 5 तारें हैं। तो अब हमने इस ग्रिप को काटना नहीं है, इसके साथ इसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले ले लेते हैं ये ग्रीन वायर, ये ग्रीन है और इसके साथ ये भी ग्रीन है, ग्रीन के साथ ग्रीन को अटैच कर देना है सही तरह से। ये देखें, ये ग्रीन के साथ ग्रीन हो गई। उसके बाद यहाँ आ जाती है ब्लू वायर, ये ब्लू है, इसमें हमने ब्लू को ढूंढना, ये है ब्लू, ब्लू के साथ ब्लू अटैच कर देना, कोई मुश्किल नहीं है, आप ये अपने घर में भी आराम से कर सकते हैं। ब्लू के साथ ब्लू हो गए। उसके बाद है ये ब्लैक वायर, ब्लैक, और इस ब्लैक के अंदर शेड है येलो, डार्क येलो शेड है। अब हमने यहाँ ढूंढना, यहाँ पे 3 ब्लैक हैं लेकिन येलो शेड इस वायर के अंदर है, तो हमने इसे इसके साथ अटैच कर देना है। ये आप देख सकते हैं येलो शेड एंड येलो शेड, इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद अब हमारे पास ये वायर है, ये है ब्लैक वाइट कलर में, लेकिन अब हमारे पास यहाँ वाइट में कोई वायर नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं। ये है ब्लैक वायर, ब्लैक के अंदर ब्राउन कलर का शेड है जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो अब हमने यहाँ भी ढूंढना है, 2 ब्लैक वायर हैं लेकिन अब इसके अंदर ब्राउन शेड ढूंढना है, इसमें ब्राउन शेड है और इसमें है वाइट शेड, आप देख सकते हैं। अब हमने इसे ब्राउन के साथ ब्राउन को ज्वाइन कर देना है, ये ज्वाइन हो चुका है, ब्राउन के साथ ब्राउन हो गई। तो अब ये जो वाइट है, तो सिर्फ अब हमारे पास एक ही वायर बच रही है, तो इसे हमने उसके साथ अटैच कर देना है। ये अटैच हो गया, अटैच करने के बाद इन्हें अलहदा अलहदा करके यहाँ रखते हैं, और आपने इसे टेप बाद में करना है, पहले से चेक करना है, गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करना है कि क्या गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, तो ये अपना काम प्रॉपरली हो गया। उसके बाद अब हमने इसे बंद करना है और इसे इसी तरह टेप करना है। तो दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको बताते हैं, इसके ज़रिए बाइक की पिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये जेन्युइन हो 1:5 का तब। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आता रहेगा।